Hello students, in this video we will solve example 5 of class 9 number system. So the question is, find the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. तो ये हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में दिया गया है, पी बाई क्यू फॉर्म में दिया गया है और हमें इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। हम इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसे लिख सकते हैं? हम इसे सिंपली डिवाइड करेंगे और हमें डेसिमल एक्सपांशन उसका मिल जाएगा। ओके, तो ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये इधर आ जाएगा। ओके, और जो न्यूमरेटर में ऊपर जो नंबर है वो इधर बीच में आ जाएगा। तो हम सिंपली डिवाइड करेंगे। ये जो डिवीजन हम सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में जो हमने सीखा है वही सेम डिवीजन करेंगे। ओके, सो 3 times 3 is 9। व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1। 10 minus 9 is 1 एंड देन 1 छोटा है 3 से, ठीक है? तो 3 टेबल में 1 नहीं आएगा, इज़न्ट इट? सो व्हाट डू? वी टेक अ पॉइंट, ऑलराइट, एंड देन वी टेक अ जीरो हियर। यहाँ पॉइंट लेते हैं, फिर यहाँ जीरो लेते हैं, ठीक है? नाउ अगेन 3 3s are 9, 10 minus 9 is again 1। तो हम 1 फिर से छोटा है 3 से, 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा। तो अभी फिर से हमें पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वंस वी हैव टेकन द पॉइंट, नाउ वी कैन सिंपली कीप एडिंग द जीरोस। हमने पहले ही पॉइंट लिया हुआ है तो हम जीरो कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं अभी। ओके, 1 0 एट ए टाइम, कीप दैट इन माइंड। सो 3 3s are 9 अगेन द रिमाइंडर इज 10 minus 9 is 1। तो हमने पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है तो फिर से एक जीरो ले सकते हैं। अगेन 3 times 3 is 9 और यही कंटिन्यू होता जा रहा है। 10 minus 9 is 1 अगेन, सो यही कंटिन्यू होता जा रहा है। ऑलराइट, सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10 by 3 is 3.3333 and so on। सो दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10.3। ऑलराइट, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 7 by 8? तो कैसे करेंगे? 8 को जो नीचे है यहाँ लिखेंगे और जो ऊपर नंबर है उसके अंदर लिखेंगे, है ना? तो 7 छोटा है 8 से, 8 के टेबल में 7 नहीं आता है। 8 ones are 8, 7 तो नहीं आता है, 7 छोटा है। तो क्या करेंगे? 0 लेकर यहाँ एक पॉइंट लेंगे और फिर यहाँ एक 0 ऐड करेंगे। पॉइंट लेकर यहाँ एक 0 ऐड करेंगे। नाउ 8 8s are 64, सो 70 minus 64 is 6, ठीक है? तो ये 6 फिर से छोटा है। सिंस हमने एक बार पॉइंट ले लिया है तो हम एक 0 यहाँ ले सकते हैं। अगेन सो नाउ 8 7s are 56, सो 60 minus 56 is 4। तो फिर से 4 छोटा है। सिंस हमने यहाँ पॉइंट ऑलरेडी ले रखा है तो फिर से हम एक 0 यहाँ ऐड कर सकते हैं। सो नाउ 8 5s are 40, सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? नाउ रिमाइंडर इज 0। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट, सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 7 by 8 इज 0.875। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ करेंगे 1 और 7 की डिवीजन। यहाँ भी डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करनी है तो यहाँ 7 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे। सिंस 1 छोटा है, आई राइट दिस 1 by 7 हियर बिकॉज़ आई नीड अ स्पेस, 1 by 7। ओके, सो 1 छोटा है 7 से, सो व्हाट विल वी डू इज विल टेक 0 एंड पॉइंट एंड विल टेक अ 0 हियर। ओके, सो नाउ 7 ones are 7, सो 10 minus 7 is 3। सिंस 3 भी छोटा है 7 से, फिर एक 0 लेंगे, ऑलरेडी हमने पॉइंट ले रखा है। सो नाउ 7 4s are 28, सो 30 minus 28 is 2। 2 फिर से छोटा है 7 से, तो फिर से 0 ले लेंगे सिंस हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है। सो 7 2s are 14, या सो 20 minus 14 is 6। 6 फिर से छोटा है तो फिर से 0 ले लेंगे। 7 8s are 56, सो 60 minus 56 is
4 एंड फिर से अगेन 0 ले लेंगे सिंस 4 छोटा है एंड 7 5s are 35 ऑल राइट 7 5s are 35 व्हाट डू वी गेट इज अगेन 5 5 इज अगेन स्मॉलर हम ये कब तक करेंगे जब तक हमें सेम ये नंबर फिर से रिपीट होना नहीं शुरू हो जाता तब तक हम इसे रिपीट करते रहेंगे ओके सिंस हमें ये सेम नंबर अभी तक रिपीट नहीं मिला है तब इसीलिए हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब हमें ये सेम नंबर मिल जाएगा तो हम वहीं स्टॉप कर देंगे सो नाउ 7 7 इज 49 ऑलराइट सो 49 50 माइनस 49 इज 1 सो आपने देखा कि 1 फिर से रिपीट हो रहा है तो अगर यहाँ ही हम स्टॉप कर देंगे और इसे हम डॉट लिख देंगे क्योंकि इसके बाद यही सेम नंबर रिपीट होता जाएगा आप फिर से डिवीजन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो और फिर देख सकते हो कि यही आपको कंटिन्यू होता जाएगा इसके बाद इस नंबर के बाद फिर से आपको 1 4 2 8 5 7 फिर से वही सेम नंबर्स मिलते जाएंगे आप यहाँ पर डिवीजन कंटिन्यू करके देख सकते हो ऑल राइट सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7 इज 0.142857 and so on. So that's all for this video students. If you have any questions, you can ask me in the comments. Thank you.